इजाज़ अहमद राना सिटी FSD न्यूज़ से हाजिर हूँ। हम मलखा वाला के नवाही गांव जो है फैसलाबाद के नवाही गांव मलखा वाला 225 में जो है ना बैठे हुए हैं, जहाँ पे गिल साहब हैं जो है ना उनको जो फायरिंग वगैरह हुई उनके ऊपर, और जो थाना सदर मुतलका है उसमें FIR 213/20 जो हुआ है। हम सारा जो है ना गिल साहब से जो है ना पूरी डिटेल पूछते हैं। जी जनाब, गिल साहब जो है ना अपना नाम हाजी मोहम्मद अफजल गिल 225 मलखा वाला का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर फायरिंग किया है मेरे भाई और भतीजे ने, और उनकी जो FIR मैंने वहाँ करवाई है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। पहले तो उन्होंने बगैर पूछे ही वो जो मेरा भतीजा वो उन्होंने कहा पकड़ लिया, पकड़ के तो उसको जेल भेज दिया। और जो पहला तफ्तीशी था यकूब उसका नाम है, और उसने हमारे घर आया इधर हमसे कहने लगा कि मैंने एक पिस्टल अपनी तरफ से डाल के उससे फायर किए हैं, और वो जो है ना मैंने उसके ऊपर डाला है, आपने कहना है कि ये मेरा ये वही पिस्टल है जिससे इसने फायर की है। मैंने उससे कहा कि हम ऐसा क्यों कहें भाई, हम तो नहीं ऐसा कहेंगे कि जो जिस पिस्टल से उसने फायर किए हैं आप वो पिस्टल से बरामद करवाएं, और फिर दूसरी बात कि उनसे उससे पूछें कि उसके साथ कौन कौन है, ये ऐसी कोई बात। और दूसरी बार फिर मैंने उससे कहा कि मेरा जो है ना वो आप बयान तो रिकॉर्ड करवाएं। उसने कहा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे बयान की, कोई कोई कुछ नहीं पूछना तुमसे, आप बस ऐसे रहो। और बगैर पूछे बगैर बताए उन्होंने उसको जेल भेज दिया। और जो दूसरा जो उसके साथ वाला जो है जिसने जिसके कहने पे या जिसका जो पूरा प्लान है मोहम्मद असलम उसका नाम है, छोटा भाई है मेरा, और उसको तो वो उसने अपनी जमानत करवाई हुई है और उसको कोई पूछते नहीं है। अगर हम कोई थोड़ा सा उसके ऊपर जाते हैं तो कहने लगते हैं कि चलो यार चुप करो तुम, कोई बात नहीं है, ऐसा करके हमें जो है ना वो चुप करवा के बैठा देते हैं। हमारी किसी बात का वो कोई असर नहीं ले रहे। वो जो दूसरा अभी इन्वेस्टिगेशन अफिसर कैसरा बादशाह उसने उनसे भारी रकम ली हुई है, और वो उन्हीं की जबान बोलता है। जब हम कोई सवाल करते हैं जब हम किसी सवाल का जवाब देने लगते हैं या सवाल करते हैं तो कहता है तो तुम लोग चुप करो, हमें तो बोलने भी नहीं देता। तो इसलिए फिर हम इसके बाद हम गए हैं CPU गए हैं, तो उन्होंने साहब ने हमसे वादा किया कि आप आ जाओ, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें बुलाया जुमेरात के दिन, हमने जाना है कल इंशाल्लाह वहाँ पे उनके सामने पेश होना है। उनकी बड़ी मेहरबानी, अगर वो हमारी बात अच्छे तरीके से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानी कराई है कि आप आओगे तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी बात सुनेंगे। जी गिल साहब, आपसे ये सवाल ये है कि जो मुतलका इंस्पेक्टर है उसने कोई आपकी जो कार्रवाई FIR पर जो है ना वो जिसे ऐसी की और जिसे आप सर्टिफाइड हो, तो हम भी इसलिए हाजिर हुए कि हमारे लिए को इंशाल्लाह हम भी जो है ना आपके साथ हैं पूरा जो है ना भरपूर, आप जो है ना कल इंशाल्लाह आपके साथ देंगे पूरा। नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने तो हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना ही उन्होंने कोई मेरे नाम से पूछा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब इंस्पेक्टर जो कैसर बादशाह है यही हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मेरे बच्चे को भी परेशान कर रहा है कि उससे सुलह करो। यानी ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, हर तरीके से इसने हमें परेशान किया। मेरे साथ जो मेरे गवाह गए हैं उनको भी इसने यानी अपने बयान से मुकरने के लिए बहुत इसने कोशिश की है कि ये अच्छे तरीके से बयान ना दे सकें। अभी जो उनसे सवाल करता है तो उनसे तो कोई कोई जवाब ही नहीं उनसे बन पड़ता, फिर भी उनके हक में ये सब कुछ लिखता जा रहा है। और हम जो अगर सच्ची बात भी कहते हैं तो जो कह देते हैं अच्छा चलो ठीक है ऐसा ही हुआ होगा, और कोई बात नहीं हमारी उसके साथ होती, कोई बात मान नहीं रहा, यानी किसी तरीके से हमें आगे आना नहीं देते, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। इसने वैसे परसों हमारे ऊपर वो कर दी थी सातकुंजा की, कोई इसने वो कर दी जबरदस्ती कर दी, हमने कुछ भी नहीं कहा उससे, कोई बात नहीं की, ऐसे ही उसने जबरदस्ती हमें उठा के तो मेरे बेटे को भी और मेरे एक दोस्त को भी इसने अंदर जेल में डाल दिया। किसी की यानी कोई वजह नहीं बनती, या हमने कोई शोर किया हो वहां पे, या हम झगड़ा किया हो, या दूसरी पार्टी को हमने बुलाया भी हो, कोई बात नहीं। ऐसे इसने कह दिया कि चलो जी साथ पहुंच जाओगे, तो ऐसे जैसे पहले क्या चाहते हैं हम तो चाहते हैं ना जी कि हमें इंसाफ मिले। मुझे चार मेरे छह फायर उन्होंने मेरे ऊपर किए, अच्छा अच्छा छह फायर किया और चार मुझे लगे हुए हैं। कौन से लगे आपके फायर? ये देखिए सर, मेरे ये लगा है, अच्छा अच्छा एक ये लगा है एक उठने के ऊपर, ठीक एक ये
एक अंगूठे के ऊपर लगा हुआ है अच्छा। और दो इस टांग पे लगे हुए हैं ठीक ठीक एक ये है और ये एक ये अच्छा। और ये जो है वो असलम साहब से साजबाज की हुई है, इसने असलम से इसने उससे पैसे लिए हुए हैं और ये जो है उसको बार बार यही उसको हौसला अफजाई कर रहा है कि तुम बेफिक्र हो जो तुम्हें कुछ नहीं होने देता मैं, और हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि उससे सुलह करो उससे सुलह करो और दूसरी कोई बात ही नहीं करता।